सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहा जाता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज का पंचांग 24 मार्च 2022 दिन गुरुवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि, रात्रि 12:10 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र शाम 5:30 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:03 से 3:34 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर शाम 5:30 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। मकर राशि 24 मार्च 2022 दिन गुरुवार, आप निजी और पेशेवर रूप से सर्वश्रेष्ठ जगह पर हैं। अपनी ताकत और सीमाओं के बारे में जानें। अपने आत्ममूल्य के आधार के साथ अपने रचनात्मक पक्ष को भी व्यक्त करें। कोई नया अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसका साहस पूर्वक पीछा करें। आज आप अपने पुराने पलों को जीने के मूड में हैं। पुराने दोस्तों से मिलना और उनके साथ अच्छा समय बिताना भी एक अच्छा विचार है। जीवन की चिंताएं आपको परेशान नहीं करेगी। आपका सामाजिक और निजी जीवन आज महत्वपूर्ण रहेगा। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। ग्रह नक्षत्र की स्थिति से जानकारी मिल रही है कि इस राशि वालों को आज काम धंधे में कुछ परेशानियां भी हो सकती है। आज के दिन आपके लिए कुछ चिंताग्रस्त रहने वाला भी है, लेकिन आपको इसका असर अपने और अपने काम पर नहीं पड़ने देना है, नहीं तो आपके कुछ शत्रु भी इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। नौकरी से जुड़े जातकों को आज कोई ऐसा कार्यभार सौंपा जा सकता है जिसमें उनको अपने साथियों के साथ की आवश्यकता होगी, इसलिए आज उन्हें अपनी मधुरवाणी का प्रयोग करके अपने साथियों से काम निकलवाना भी होगा, तभी वह अपने कार्य को समय पर पूरा कर पाएंगे। आज अब कुछ धार्मिक क्रियाकलापों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यदि आपकी माता जी को कोई आंख से संबंधित समस्या है तो आज उनके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। सावधानियां, दुकानदारी के समय ग्राहकों से पेमेंट व किसी सौदे को लेकर बहसबाजी की स्थिति बन सकती है। कपड़ों और सेनेटरी का व्यापार करने वाले जातकों के काम में विस्तार तो आएगा परंतु कठिनाइयों से। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी जिससे घर का वातावरण अच्छा रहेगा। बच्चे पढ़ाई को लेकर जागरूक रहेंगे। आज सत्पुरुषों के मिलने से मन में प्रसन्नता होगी। संध्या काल के समय मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। नए रिश्ते की शुरुआत होने भी जा रही है, ऐसे में अपने रूप सूरत और व्यक्तित्व का खास ख्याल रखें। कोई रिश्ता आपको खुशी नहीं दे रहा है तो उसे समाप्त करना ही उचित है। याद रखें रिश्ते में दोनों तरफ से प्रयास होने आवश्यक है। आज आपके लिए आपका सामाजिक और निजी जीवन पहले नंबर पर है। आप अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आप पुराने दोस्तों के साथ सुलह करें और उनके साथ समय बिताएं। तीव्र इच्छा अपने साथी से मिलने, प्यार का इजहार करने और
इसके लिए आप कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते। बात करते हैं करियर की। अगर आप कार्यस्थल की मुश्किलों से परेशान होकर स्वरोजगार के बारे में सोच रहे हैं तो अब समय आ गया है इसकी शुरुआत करने का। आपकी मेहनत और ईमानदारी का बढ़िया परिणाम भी आपको मिलने वाला है। खुशी के पल में अहंकार का त्याग करके आगे बढ़ें, सफलता आपका साथ देगी। आज के दिन आपके लिए उदासीन हो सकता है, आप अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी कोशिश कर सकते हैं। अपने पुराने दोस्तों से मिलना आज एक अच्छा विचार है। आपके लिए अपने निजी और सामाजिक जीवन दोनों महत्वपूर्ण है। याद रखें, किसी खास व्यक्ति का आपके जीवन में कोई और विकल्प नहीं हो सकता, इसलिए आपके पहचान वालों का खास ध्यान रखें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, लेकिन काम की भाग दौड़ के कारण शारीरिक थकान रहेगी। सुबह उठकर सैर व व्यायाम करना फायदेमंद रहेगा। आज का उपाय, गरीबों को चने का दान करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।